हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद से बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा आर्टिकल 3। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21, यानी कि सी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्देशात्मक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 37। हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 44। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों को बताता है। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 49। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही फंसेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।